हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि अप्लाइड किया जाता है वेक्टर्स में, हम करेंगे कि किस वे से आर लैंग्वेज में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और जैसे लास्ट क्लास में हमने आर को कैसे ओपन करना है हमने सीख रखा था, तो आर स्टूडियो जाएंगे और वहाँ से आप अपना जो फंक्शंस है उसको यूज़ करेंगे। थोड़ा टाइम लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर फंक्शंस हैं उसके अंदर वेक्टर टर्म में कौन कौन से वेक्टर टर्म्स यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ABS, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ए साइन, ए कॉस, ए टैन, इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शंस, साइन एच, कॉस एच, टैन एच, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपी लॉग यानी एक्सपोनेंट्स एंड नेचुरल लॉगरिथम फंक्शंस, फ्लोर सेलिंग ट्रंक जो यहाँ पर होता है जो क्रिएट करता है इंटीजर्स फ्रॉम द फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स, गामा, एल गामा यानी गामा एंड लॉग गामा फंक्शंस, इसे हम बोलेंगे लॉग 10, लॉगरिथम्स विद अ बेस 10, राउंड, राउंडिंग नंबर्स, साइन, कॉस, टैन, ज्योमेट्रिक फंक्शंस, साइन एच, कॉस एच, टैन एच, हाइपरबोलिक फंक्शंस, एस क्यू आर टी, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा आर ओपन हो रखा है, इनमें से कुछ फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक्स, हमने एक फंक्शन और इसे वैल्यू को यहाँ पे सी मीन्स कंबाइंड जो कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था, इसमें हमने कुछ वैल्यू लिखो 10 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 6, यह एक हमारा कॉम्बिनेशन बना। सेकेंड अगर हम इसी एक्स को फिर से लिखें तो एंटर करो, ये सारे वैल्यू आ गए, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू। सिमिलरली वाई, सेकंड वेक्टर फॉर्म किया वाई, इसे भी कंबो फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस हमने टू टर्म्स लिया था जैसे एक्स कॉमा 0.55 का, फिर से हमने क्या किया x लिखा और अगेन हमने x लिखा, तो आप देखोगे जो आउटपुट वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, x कॉमा, या इसको इस वैल्यू को नहीं लो, लेकिन सेम अगर हमने सिर्फ लिखा y और कंबाइंड फंक्शन से ब्रैकेट x यह जो वेक्टर है इसको उसमें ठीक करना है। सेम अगर हम राउंड वाइज इस वैल्यू को लिखते हैं, राउंड अगर लिखते हैं राउंड फंक्शंस राउंड, यहाँ पे फंक्शंस वैल्यू रहता है और इसमें हम लिखेंगे एक्स कॉमा थ्री, यह एक न्यू फंक्शन, सॉरी एक्स कॉमा थ्री,
इसी को log x में आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, log और ब्रैकेट में तो नेक्स्ट लॉग एक्स की सेल पैर लगा फिर स्क्वायर फंक्शन से सीमेंट हम देखें एस क्यू आर टी और ये एक्स फिर इसमें प्लस टू कर दो या प्लस थ्री कर लो और फिर एंटर पुट करो तो हमारे पास न्यू वैल्यू है। सेम नेक्स्ट अगर हम रिपीट फंक्शन को यूज करेंगे तो पी आर यू आर पी पी वन सेमी कॉलम टू कॉलम टू ये वैल्यू आ गई मीन्स वन से लेकर फोर लेकिन वन टू थ्री फोर आए फिर से वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री यानी वन से लेकर फोर तक की जो एलिमेंट है वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है फोर टाइम्स। सेम एक और फंक्शन ले लो नॉट आर नॉट कैसे यूज करते हैं आर एक्स फिर सिमिलरली इसी टाइप से वाई दूसरी फंक्शन ले लो और यहाँ पे हम लोग आर यू एन आई एफ फंक्शन से वो टेन फोर सेवन ठीक है ये एक न्यू फंक्शन। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फंक्शंस जो भी हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिखाया था सारे फंक्शंस को आप इजीली यूज कर सकते हैं साइन कॉस टैन लॉग ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैट्रिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं।